2 दिसंबर 1984 की रात भारत का भोपाल शहर दुनिया के सबसे दिल दहला देने वाले औद्योगिक हादसों में से एक का गवाह बना। वहां जो हुआ वो आज भी न्याय और सुरक्षित औद्योगिक तरीकों की मांगों में गूंजता है। चलिए आज मैं आपको उस भयानक रात में वापस ले जाता हूं और हम इसके पीछे छूटे गहरे असर को देखेंगे। ये सब भोपाल के यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कीटनाशक कारखाने में शुरू हुआ। कई बदकिस्मत सुरक्षा खामियों के चलते मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का एक घातक बादल हवा में फैल गया। सोचिए, आधी मिलियन से भी ज्यादा लोग अचानक एक जहरीले बादल से घिर गए जो सोते हुए उनके घरों में छा गया। इसके तुरंत बाद के असर भयावह थे। शुरुआती घंटों में 2000 से 3000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अस्पताल पस्त हो गए और सड़कें अफरा-तफरी और भ्रम से भर गईं। लेकिन ये दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले कुछ सालों में 20,000 और लोग इस गैस के असर से हुई बीमारियों के शिकार होकर चल बसे। ये तकलीफें, जानों का नुकसान और लगातार बनी रहने वाली स्वास्थ्य समस्याओं ने भोपाल में हर जिंदगी पर असर डाला। इस हादसे के बाद दुनिया औद्योगिक लापरवाही के खतरों से जाग उठी। भोपाल गैस त्रासदी ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों और नियमों में बदलावों को प्रेरित किया। फिर भी सीखे गए सबकों के बावजूद कई लोगों को लगता है कि इस हादसे के पीड़ितों के साथ पूरा न्याय नहीं हुआ है। उस दुखद जगह पर आज भी इस जहरीले अतीत के अवशेष मौजूद हैं और भोपाल के लोग अपने हकों और सही मुआवजे के लिए लड़ते रहते हैं। ये हादसा सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये लापरवाही की कीमत और अकल्पनीय विपत्ति के सामने एक समुदाय की अटूट ताकत की कठोर याद दिलाता है। जब हम भोपाल को याद करते हैं तो चलिए ऐसे रोके जा सकने वाले हादसों से लोगों की जिंदगी को बचाने में सुरक्षा और सतर्कता के अहम महत्व को न भूलें। भोपाल आपदा को याद करने में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीखे गए सबक हमें एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण दुनिया की ओर ले जाएंगे।